ऑलराइट साजिक ने आप दिन नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। सो मेरे सामने खड़ी है द ब्रांड न्यू 2022 TVS रेडॉन 110cc। इस मोटरसाइकिल में जो अभी आपको एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड मिलता है वो ये है कि यहाँ पे जो है अभी आपको एक कंप्लीट LCD डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, वो भी कलर्ड में। यही सेम डिस्प्ले जो था आपको रेडर 125 में मिलता है, अभी आपको इस मोटरसाइकिल में भी मिलेगा। सो ये एक बड़ा अपग्रेड यहाँ पे आपको मिलता है एंड एक USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर मैं इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इसका जो प्राइसिंग है अभी तक बाहर आया हुआ नहीं है। जब कभी बाहर आएगा मैं जो कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा, वरना मैं जो कमेंट को पिन कर दूंगा। व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू TVS ऑटो रेस एंड संकेत सर, जिन्होंने जो मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड किया आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीधा फ्रंट से शुरुआत करेंगे। सो फ्रंट में जो है यहाँ पे आपको TVS की ब्रांडिंग मिलती है जो एम्बॉस होकर बाहर आती है। बाय द वे ये जो रेड कलर है काफ़ी ज़्यादा झटाक रेड कलर यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी। बाय द वे इस मोटरसाइकिल में जो आपको काफ़ी ज़्यादा जगहों पर क्रोम फिनिशिंग मिलने वाली है। यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट्स मिलती है, टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे बल्ब में, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ब्लैक कलर का आपको मडगार्ड मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। और टायर्स पे आ जाते हैं। सो भाई यहाँ पे जो है आपको टायर्स पे सबसे पहले डिस्क ब्रेक्स मिलती है, कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम मिल जाएगा, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे, विद ऑलमोस्ट बटन टायर्स बोल सकते हैं इसको। एंड इसकी साइज़ जो आई डोंट नो व्हाई बट टायर पे लिखी हुई नहीं है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी हेडलाइट्स। सो दिस इज हाउ दे लुक, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो आपको ये DRLs भी मिलते हैं, ये देखिए, ये दिस आर द DRLs। क्या बात है, अभी अपन कर देते बंद। अभी आ जाते मोटरसाइकिल की साइड पे। सो साइड पे जो है यहाँ पे आपको ये ड्यूल टोन मिलता है, TVS की ब्रांडिंग वापस से एम्बॉस्ड शेप में बाहर मिलेगी। यहाँ पे आपको ये थाई सपोर्ट मिल जाते हैं ताकि आप जो है अपने टैंकी को स्क्रैच ना करो। ये ड्यूल टोन जो है काफ़ी ज़्यादा कड़क दिखता है। एंड दिस इज द 110cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन विथ किक स्टार्ट। यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी मिलता है, क्या बात है। और यहाँ पे आपको ये क्रोम पार्ट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको रेडॉन की ब्रांडिंग मिलती है, वो भी एम्बॉस्ड होके बाहर आएगी। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ये एम्बॉस्ड वाले लोगोज लगाए हुए। ड्यूरा लाइफ का ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड पीछे जो है आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, एक ये बाजू रहेगा एक वो बाजू रहेगा। और इसकी अगर आप एग्जॉस्ट को नोटिस करो, सो एग्जॉस्ट जो है एग्जॉस्ट पे पूरा का पूरा क्रोम मारा हुआ है, ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। तो अभी मैं आपको सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, इस बाइक का जो पर्पस है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो हैंडी में आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पे आपको ये हुक मिल जाता है। सो आप ना यहाँ पे कुछ अपना टिफिन या कुछ भी लटका सकते हो, अपनी मम्मी की सब्जी यहाँ पे लटका सकते हो या कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी फीचर है। पीछे के साइड आ जाते हैं। सो पीछे जो है यहाँ पे आपको एक छोटा सा लगेज रैक मिलता है, यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, क्या बात है। और ब्रेक लाइट जो रहेगी आपको मिलेगी बल्ब में। पीछे ये रहा इसका मडगार्ड। और ये बाजू आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको सारी गार मिल जाती है, चेन कवर मिल जाएगा, रेडॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है, FI की ब्रांडिंग मिल जाएगी, TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हल्के फुल्के से गोल्डन टच फिनिशिंग भी मिलता है जो कॉपरिश कलर में है। एंड यहाँ पे जो आपको 4-speed गेयरबॉक्स मिलती है, ऑल डाउन एंड ऑल अप, मेन स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड मिल जाएगा, कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा। सीट्स पे आ जाते हैं। भाई इसकी सीट जो है आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीट है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप यू नो इस मोटरसाइकिल को ये करोगे ना मॉडिफिकेशन, तो आप इसको आसानी से एक स्क्रैम्बलर बना सकते हो। सो यस, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। टैंक पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपको एक 10 लीटर की टैंक मिलती है जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 60-65 की माइलेज भी मिल जाएगी। और मुझे ना इसका ये टैंक का कवर बहुत पसंद आया जो पुरानी मोटरसाइकिल में आता था। सो यहाँ पे आपको वैसा वाला मिलता है। हैंडल बार्स पे आ जाते हैं। सो हैंडल बार्स पे आपको वंस अगेन क्रोम फिनिशिंग मिलते हैं। साइड व्यू मिरर्स आप देख सकते हो, पूरे के पूरे रेट्रो लुकिंग यहाँ पे आपको साइड व्यू मिरर्स मिलता है कुछ इस तरीके से, अच्छे लगते हैं। और क्लच लीवर्स को भी आप देख सकते हो सिल्वर फिनिशिंग दिया हुआ है, ब्रेक लीवर्स को भी सिल्वर फिनिशिंग दिया हुआ है। सो ये वाले लीवर्स ना रेडर में आते थे। और आप हैंडल बार्स को देख सकते हो, ग्रिप ही मिल जाता है, हैंडल बार्स को देख सकते हो, रबराइज ग्रिप मिल जाएगी, पास लाइट, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, और ये बाजू हेडलाइट की स्विच और पावर का बटन। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डिस्प्ले। यहाँ पे आपको चार्जिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेडर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पर इसका डिस्प्ले को देखना ना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है। एनीवेज यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी, हेलमेट की वार्निंग आ जाएगी कौन से मोड में चल रही है। इसमें ना आपको दो मोड मिलते हैं, इको एज वेल एज पावर।
कितने किलोमीटर्स चली है और कितने किलोमीटर्स हुए। मुझे ना एक चीज़ इस मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा पसंद आया कि यहाँ पे ना आपको आपकी बाइक माइलेज कितना दे रही है वो भी दिखाती है, रियल टाइम में दिखाती है। ये देखिए एवरेज दिखाती है किलोमीटर्स पर लीटर, मतलब आप कितना किलोमीटर्स चलाए हो वहाँ पे जो आपको इतना माइलेज दिखा देगी। यहाँ पे TVS का हॉर्स। सो ये था इसका डिस्प्ले। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा वॉक अराउंड ऑन द ब्रांड न्यू 2022 TVS रेड ऑन। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटर ब्लॉग के सेटअप में एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटर ब्लॉग के सेटअप में और ये रही बाइक की चाबी। हैशटैग खुश हो की चाबी इन द चैट। तुरंत बैठेंगे बाइक पे और इसको चलाएंगे, लेट्स सी परफॉर्मेंस है कैसा। वैसे मैं जो पहली बार चला रहा हूँ इसको, इससे पहले मैंने इसको चलाया हुआ नहीं है। सो पूरा का पूरा यहाँ पे एकदम ही यू नो ब्रांड न्यू रिव्यू होने वाला है। बाय द वे हाई करके ग्रीट कर देता है और प्लास्टिक चढ़ा हुआ है तो आई गेस आपको दिखेगा नहीं, बट मुझे दिख रहा है। चलो क्या बात है भाई, ये सब मोटरसाइकिल्स का ना एक अलग मज़ा होता है, मतलब आपको लगता है इतना टेंशन फ्री मोटरसाइकिल से। ओके तो सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट की। यस द बाइक इज़ वेरी 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 कंफर्टेबल, बट द थिंग इज अगर आपकी हाइट बॉडी मेरे जितनी है, मैं 5'10" हूँ और लगभग 75 किलोस का हूँ, तो यू ना आपको ये बाइक बहुत छोटी लगने वाली है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिल्ड के हिसाब से ये बाइक छोटी है, बट ये उसके लिए बनी हुई भी नहीं है। ये बनी है डेली कम्यूट के लिए, डेली कम्यूटर्स के लिए, मतलब जिसको अप डाउन कर रहा है और यू नो माइलेज अच्छी खासी चाहिए। अभी तो इसमें डिजिटल मीटर भी आ गया, सो ये उनके लिए है। सो आई थिंक यस कम्फर्टेबल इट इज़ वेरी 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 कम्फर्टेबल। इसके जो फुटपैक्स हैं वो बराबर मैं बोल सकता हूँ आपके कमर के नीचे आता है और आपके पाँव इसे उल्टा एल शेप में रहेंगे। टैंकी जो है एकदम स्लिम ट्रिम टैंक है यहाँ पे आपको मिलती है और इसके जो हैंडल बार से काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हैं और आपकी जो कमर रहेगी वो एकदम ही स्ट्रेट रहेगी, तो आपको ना ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम ही कम्फर्टेबली क्रूज़ कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है मोटरसाइकिल की, वो है इसकी सीट्स। भाई इसकी सीट्स ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आपकी खुद की सीट आसानी से इसमें सेट हो जाएगी और एक बात पीछे भी अगर आप किसी को बिठाना चाहो तो वो भी बैठ जाएंगे, तो इट इज़ कम्फर्टेबल टू दो लोगों के लिए एकदम आसानी वाला ये मोटरसाइकिल है। भाई ये साइड व्यू मिरर्स ना मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, मतलब इतने अच्छे लगते हैं, इतने प्रीमियम दिखते हैं ये साइड व्यू मिरर्स। और अभी आ जाते मोटरसाइकिल के इंजन पे। ओके सो ये 110 सीसी का जो इंजन है, ऑब्वियसली बात है आप इसमें से जो है बहुत ज़्यादा पिकअप पावर वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर मैं ऑनेस्टली बताओ ना तो भाई इतना पावर सिटी के लिए बहुत हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि बाइक पावर नहीं पकड़ती, बाइक पावर तो पकड़ती है, मतलब एक इंसान को जितना पावर चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इसमें पावर है, वो तो मैं आपको फ्रेंकली बता सकता हूँ, तो मज़ा आता है चलाने को। बट हाँ अगर आप ऑब्वियसली बात है किसी 200 सीसी या उससे हायर कैपेसिटी की बाइक से कंपेयर करेंगे तो कैसे चलेगा, सो ऐसी वाली बात है। बट द इंजन इज़ रियली गुड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि ये बाइक ना इसका मिड रेंज बहुत अच्छा है, मतलब एक बार आपने 4000 RPM क्रॉस किया ना उसके बाद बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए टिचकी टेस्ट, मतलब बाइक ज़रा भी इंजन जो है ज़रा भी नॉक झटका वगैरह नहीं मारती, तो इट इज़ गुड परफॉर्मिंग गुड। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ तो थोड़े मोटे छोटे मोटे वाइब्रेशन जो है आपको लगते हैं अपने फुटपैक्स पर, थोड़े बहुत हैंडल बार्स पर। और सस्पेंशन जो है इसके वो एकदम ही मैं बोल सकता हूँ मीडियम सेटिंग पर रखे हुए हैं, तो आपको यू नो आसानी से हर जगह पे से लेना है तो हल्लू लेके आप आसानी से इस बाइक को किधर से भी लेके जा सकते हो। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अच्छे खासे सेट किए हुए हैं। ये देखिए टर्निंग रेडियस भी इसका अच्छा खासा है, टर्न वगैरह मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हैंडलिंग की बात करूँ तो इस मोटरसाइकिल को ना हैंडल करना एकदम ही मतलब एकदम ही पीस ऑफ केक है, इसको कोई भी हैंडल कर सकता है, बिगनर भी चला सकता है, कोई भी चला सकता है, बट द हैंडलिंग इज़ गुड। मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो टायर्स हैं ना वो अच्छा खासा ग्रिप प्रोवाइड करें जिसके वजह से इसके हैंडलिंग इतने बेटर हो रही है। ये देखिए
मतलब अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत झूला झूलना है, आजकल जो है मेरी चैनल पे ये झूला झूलना थोड़ा नया शुरू हुआ है और आप लोग कमेंट भी मुझे करते हो तो उसके लिए थैंक यू। सो ये देखिए, ये अगर आपको इसमें झूला झूलना है तो आप झूल सकते हो, बट थोड़ा रिस्की लगता है मुझे, बिकॉज ये बाइक उसके लिए बनी नहीं है कि आप इसको लीन वगैरह करो, है ना। तो आप अपने रिस्क पे करना, मैं तो मेरी मानो तो मत करना, सीधा सीधा ही चलाना इसको, झूला मत झूलना। ओह माय गॉड, ओके। सो यस, इट इज़ इजी गोइंग। मतलब देखो आप कैसे, ऐसा मेरे को ऐसा ऑफिस जाना है, ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऐसे सीधा सीधा चला रहा हूँ, तो ऐसे चलाओ इसको, ठीक है। और अभी आ जाते हैं मोटरसाइकिल की ब्रेक्स पे। आपको इसमें मिलता है डिस्क ब्रेक फ्रंट में, यहाँ पे अपन करेंगे टेस्ट। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ भाई स्ट्रांग है यार, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग है, मज़ा आया। ब्रेकिंग इज गुड यार, मुझे अच्छा लगा 110 सीसी में डिस्क ब्रेक्स आया हुआ है, क्योंकि ड्रम ब्रेक्स ना थोड़े टाइम के बाद वेयर आउट हो जाते, तो मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे अपन करेंगे इसकी रेयर ब्रेक टेस्ट, CBS। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे मज़ा आ गया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम 110 सीसी में आपको मिलेगा। और अभी और मुझे ना एक चीज़ बहुत पसंद है इस मोटरसाइकिल की, इसका जो क्लच है ना वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, एक मिनट। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट क्लच दिया हुआ है, तो आप चाहो ना तो दो उंगली से भी इसको पीछे खींच सकते हो विदाउट एनी टेंशन। और सिर्फ इसका गियर सिस्टम आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑल डाउन एंड ऑल अप है। एक बात अच्छी है इसकी, इसमें ना आपको न्यूट्रल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से मिल जाती है। व्हील ब्लास्ट जरूर से लगता है, बट आप इसको कितना भगा लोगे। ओके, और मेरी हाइट है 5'10", मेरे दोनों पाँव नीचे टिकते हैं इस मोटरसाइकिल के लिए। अगर आपकी हाइट 5.5 भी है फिर भी चल जाएगा, आप आसानी से मैनेज कर लोगे। क्या मज़ा आता है इसको चलाने को। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो ये सब बाइक का एक्चुअल में पैसा वसूल होता है। मैं मानो मैंने सुपर बाइक चलाई है, मैंने मतलब दुनिया की हर एक बाइक चलाई, पर ये ना टेंशन फ्री लगता है, और आपके व्हीकल से टेंशन आपको ना मिले, इट इज़ व्हाट यू वांट, राइट। तो ये वाला बात है। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो आई फील मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए ऑन द TVS रेड ऑन 110 सीसी। सो आई थिंक 110 सीसी में आपको ऐसा डिजिटल मीटर किसी में भी नहीं मिलेगा, एंड स्पेशली ये जो क्रोम एलिमेंट्स है, बहुत ज़्यादा क्रोम एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आप अपने लिए अगर 110 सीसी की मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो और आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे, बट आपको फीचर्स सारे चाहिए, जैसे कि डिजिटल मीटर है, ये क्रोम फिनिशिंग है, ये रेड कलर है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क ब्रेक्स, ट्यूबलेस टायर्स, सो आई थिंक इट दिस इज़ अ गुड कैच। यहाँ पे जो TVS ने काफ़ी बड़ा सा काम किया हुआ है मेरे हिसाब से। और अगर आपके पास मेरे कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस इज DBS व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ये देखो ये कौवे लोग ने ना आज मुझे बहुत परेशान किया है, ये देखो ये कौवा कौवा कौवा, उड़ जा उड़ जा, ये कौवा और कवि, कौवा कवि।